عينا يا شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ظريفا. फ्रेंड्स आपका वेलकम हो गया है एक नए व्लॉग में। तो आज आपके भाई की अनदर छुट्टी है, संडे का दिन है, तो आपका भाई आज निकला हुआ है घूमने के लिए। तो आज आपको अलेन की सबसे खूबसूरत सबसे पीसफुल जगह उसका करवाने वाले हैं विजिट। तो आज हम जा रहे हैं अलेन की सबसे बड़ी मस्जिद में और आपको दिखाते हैं अलेन की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ظريفا صل يا آدم محمد السلام عليك. तो फ्रेंड्स फाइनली मैं शेख जायद अल नहयान मस्जिद में एंटर कर चुका हूँ। अभी हमने नमाज़ पढ़ी है, नमाज से फ्री हुए हैं तो आप करवा रहे विज़िट। माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद जो है ना बहुत ही प्यारी है और माशाल्लाह बहुत ही बड़ी है। ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है इसका। तो ये बहुत ही प्यारे रैक बने हुए हैं, अपने जो जूते वगैरह हैं ना वो इसमें रखने के लिए ये रैक बनाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ मस्जिद के प्रेयर एरिया में जहाँ नमाज अदा की जाती है। माशाल्लाह एक टाइम में तकरीबन 2000 बंदे एक टाइम में नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पौधे भी लगाए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर पौधे वो हैं जिनका कुरान शरीफ में माशाल्लाह जिक्र आया हुआ है, जैसा कि जैतून और ऐसी किस्म के है ना, मज़ीद भी बहुत सारे पौधे जो मस्जिद में मौजूद हैं। मस्जिद के अंडरग्राउंड एरिया में अब्यूशन एरिया, वज़ू का एरिया और टॉयलेट्स वगैरह जो बनाए गए हैं। और बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैंने मस्जिद में वज़ू के एरिया में नोट की, इधर सेंसर वाली टूटियाँ लगाई गई हैं ताकि जो पानी है उसको ज़ाया होने से बचाया जा सके। ऐसा आप देख सकते हैं सेंसर वाली टूटियाँ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद का जो गुंबद है ना बहुत ही बड़ा है और उस पर जो है ना कुरानी आयात बहुत ही माशाल्लाह शानदार तरीके से लिखी गई हैं। और इस मस्जिद की एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ मर्दों के अलावा औरतों के लिए, फ़ीमेल के लिए भी है ना जो सेपरेट एरिया, प्रेयर एरिया, जो नमाज का एरिया है वो बनाया गया है फ़ीमेल्स के लिए भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना मस्जिद की वीडियो आई होगी पसंद। अगर आपको वीडियो आई पसंद तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। आज का व्लॉग करते हैं इधर ख़त्म। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।